أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ये 14 नरों की टीम है. ये कल उड़ाए थे 14 कबूतर. माशाल्लाह रात को बड़ी अच्छी फड़क दी इन कबूतरों ने. कल सुबह उड़ाए थे और रात माशाल्लाह 2-3 बजे के बाद बैठे हैं कबूतर. माशाल्लाह अभी तक 100% सेट नहीं हुए. आज दिन को काफी बेहतरी आई है इनमें. कल आखिरी कबूतर कौन सा बैठा फौरन? ये जो कबूतर सामने ना, कितने बजे बैठा ये? 4:15 बजे. ये जो यूट्यूब के हमारे व्यूवर है ना, वो पूछते हैं दिन को कि रात को. यहाँ देखो दिन की रोशनी की बात मत किया करो. ये कबूतर अल्लाह की मेहरबानी से रात को ही नेक्स्ट डेट में जो है बैठते हैं ये अगले दिन शहरी के टाइम पर. एक 4 बजे दूसरा बैठा था कबूतर, वो कौन सा? 4:05 पे. ये कबूतर बैठा है कल 4:05 पे. बाकी भी कबूतर 1:03 पहला कबूतर कितने बजे बैठा था? 1:03 पे. 1:04 पे पहला कबूतर बैठा. माशाल्लाह आज मादियों की टीम छोड़ी हुई है, सुबह आज उड़ाई है. माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रही हैं कबूतरियाँ. अभी ऊंची हैं वरना मैं आपको उनका भी शौक करवाता. ये 12 दिसंबर से कराची की एक सुपर चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है जिसमें तमाम चैम्पियंस हिस्सा लेंगे. और वो जौन सरा पकड़ कबूतर, हाँ हाँ, हमारे घर की ब्रीड है ये भी. तकरीबन कबूतर सारे हमारे घर के पुरानी ब्रीड जो चलती आ रही हैं वही कबूतर हैं ये. इनमें हम कोई एक आधी मादी कोई एक आधा नर इनमें मिक्स कर देते हैं, बाकी वही पुरानी ब्रीड चलती हुई आ रही है. अच्छा काम करो, शौकीनों को वो कबूतर दिखाएं जो कल 4:15 बजे बैठा है, उसका फ़र्क उमदा देखें ताकि शौकीन अपने कबूतर ऐसे बनाए ना. सीखने को मिलना चाहिए लोगों को. ये कबूतर कल शहरी में यानी सुबह से थोड़ी देर पहले 4 बजे बैठा. इसका एक पर ये एक पर इसका टूटा हुआ भी है. ये जो मैं कर्व बताता हूँ ना अक्सर शौकीनों को कुंदे, ये चलने के बाद थोड़ा सा पर में टेढ़ापन आना चाहिए, तो वो इस कबूतर में मौजूद है. आँख दिखाना इसकी, फिर भी साफ आँख का कबूतर है ये. इंशाल्लाह आप देखोगे टूर्नामेंट 12 दिसंबर को जुड़ेगा अल्लाह ने चाह तो ये कबूतर बाजी में भी उड़ेगा और ये प्रोग्रेस दिखा के इंशाल्लाह बैठेगा कबूतर. कोशिश ये किया करें, एक उसमें आपको टिप देते चलें कि ये पीछे देखें जालियां लगी हुई हैं, ये पीछे सीमेंटेड जालियां और इनमें सुराख होते हैं. सर्दी के दिनों में या उड़ान वाले जो दिन होते हैं, बेशक गर्मी के भी क्यों ना हो, तो यहाँ से डायरेक्ट हवा आके कबूतर को हिट ना करे. ये बाहर जो हमारा ये दरवाज़ा है इसको भी देखें, हमने ये पर्दा लगा के नीचे तक ये पर्दा लगा हुआ है इसको बंद किया हुआ, और ये पूरा जो है खुड्डा बंद करके दिखा ज़रा, पूरे का पूरा खुड्डा जो है वो बंद कर देते हैं. अब ये पैक हो गया. अब ये जो साइडों पर इनकी जालियाँ हैं यही बंद हुई हैं, कपड़ा डाल के बंद कर दिया लेकिन बंद कर दिया हवा ना लगे. खोलो खोलो इसको. तो शौकीन जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को गौर किया करें. आपको कबूतर दिखाया जो सुबह 4:15 बजे तक उड़ा है फड़कों में, इंशाल्लाह बाजी में इससे भी ज़्यादा उड़ेगा अल्लाह ने चाहा तो. अब मौसम ख़राब ना हो, कराची में चूँकि मौसम थोड़े से ख़राब हो जाते हैं दिसंबर में, खुश्क हवा चलती है क्वेटा की जानिब से. ये 14 कबूतर हैं, इनमें से 10 कबूतर खुर्रम बता रहा है कल उड़ाए थे. 4 कबूतर हमने रोके हुए दूसरी टीम के लिए, दूसरी फील्ड के लिए, लेकिन इनमें से एक कबूतर हमारे एक दोस्त हैं उस्ताद असलम बलोच, उनको गिफ्ट देना है. तो ये हमारी टीम है, ये खुर्रम है यहाँ होते हैं, ये फहीम है यही मेहनत करते हैं शौक करते हैं माशाल्लाह. ये फहीम भाई के दोस्त हैं और मुर्तज़ा हैं, वो बाहर हैं इस वक्त शायद
खुराक वगैरह बना रहे हैं कबूतरों की। असलम उस्ताद को जो गिफ्ट देना है वो दिखाओ भाई, शौकीनों को दिखाएं वो गिफ्ट। इंशाल्लाह ये असलम उस्ताद गोली मार के एसी, ये हमारी एक बड़ी पुरानी, हमारे असल में उड़ाने वाले कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वक्त अगर कुछ कबूतर शॉर्ट भी हो जाएँ, ये वैसे इसके भाई और ये पुरानी नस्ल हमारे पास चलती हुई आ रही है। ये कबूतर भी रात 1-2 बजे तक यहाँ उड़ा हुआ है, ये भी उड़ान में लगा हुआ था और इसको रोका है कबूतर को, क्योंकि असलम उस्ताद कोई चीज़ मांगे तो उसको चाहे उड़ रही हो चाहे बैठी हुई हो उन तक पहुँचानी लाजमी होती है, तो ये उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा ये बताते चलें कि ये जो हमारा बड़ा जो डॉल्फिन कबूतर है वो, और एक कबूतरी हमारे पास एक पंजाब से आई थी, एक दोस्त ने गिफ्ट भेजा था, उनको मिलाया तो ये बच्चे बने थे उनके, क्योंकि डॉल्फिन में हम क्रॉस करते रहते हैं और डिफरेंट ब्रीड को उसमें आजमाते रहते हैं। खुरम एक कबूतर उठा लो आप उस्ताद असलम वाला, इसको मैं आज उन्हें गिफ्ट दे देता हूँ। बाकी जितने दोस्त साथी वीडियोस को देखते हैं वो लाजमी वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।